Hi, hello. Hi, standard 3 boys and girls. How are you all, beta? कैसे हो? अच्छे हो ना? गुड. हेल्थ अच्छी है. ओके 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 माई जैम्स एंड वेलकम टू विजेस मैथ मैजिक क्लास. एंड टुडे इज अवर टॉपिक इज अ वेरी इम्पोर्टेंट. ओके देखो बेटा, आप लोग अच्छे से काम नहीं करोगे, अच्छे से पढ़ाई में ध्यान नहीं दोगे ना, देन आई विल कॉल द पुलिस. यस, और वो आपको ऐसे पकड़ के ले जाने वाली है. हाँ देखो, पकड़ के ले जा रही ना. नो, पुलिस पकड़ के नहीं ले जाए बेटा. पुलिस जो है ना, इन बच्चों को फ्री करा रही है. हाँ, ये है ना, एक्चुअली बच्चे, छोटे बच्चे जो फैक्ट्री में, हाँ कंपनीज में, के मतलब उनकी जो एज भी अभी नहीं हुई है काम करने की, और इलीगल है गवर्नमेंट का जो रूल है ना, उसके हिसाब से जिनको ये काम नहीं करना चाहिए उनसे ये काम करवाया जा रहा है. मतलब कि बच्चों को ये सब कंपनी में, फैक्ट्री में काम नहीं करने का होता है, तो ऐसे बच्चे जहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनसे काम करवाया जा रहा है ना, पुलिस उनके पास गई. हाँ, और ये बच्चे को फ्री करवाया. देखो लिखा है ना, चिल्ड्रन फ्रीड फ्रॉम फैक्ट्री. यस बेटा, आपको पता है ये इसके क्या रूल्स है? हाँ यस, तो इसका रूल ये है ना कि 14 ईयर तक का जो बच्चा होता है ना, 14-15 ईयर्स का बच्चा, वो मतलब जो होता है ना, वो कंपनी में, फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता बेटा. हाँ, 14 ईयर्स के ऊपर हो ना, वो कंपनी में, फैक्ट्री में मजदूरी यानी लेबर वर्क या और भी कुछ काम कर सकता है, लेकिन 14 ईयर्स के बच्चों को ये काम नहीं करवाया जाता, वो हमारे गवर्नमेंट का रूल है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इससे हमको बहुत कुछ जानने को भी मिलने वाला बेटा. ओके, सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट. आज मैं आप लोग को कुछ न्यू थिंग्स भी बताने वाला हूँ. ओके, कुछ नई चीज़ें भी, नई वस्तुएं हमें आप देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन ये वीडियो में करिए. ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है ना, मुंबई न्यूज़, तो मुंबई न्यूज़ का एक रिपोर्टर ने ये कुछ रिपोर्ट बनाई है और इसको प्रिंट किया है हमारी टेक्स्ट बुक में. तो चलो हम लोग करते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक. मुंबई न्यूज़, चिल्ड्रन फ्रीड फ्रॉम फैक्ट्री. पुलिस गई उनके पास, उनको फ्री करवाया. तो क्या है ये स्टोरी? इट्स नॉट अ ओनली स्टोरी, इट्स अ रियल. ओके, रियल थिंग है ये. सी, 10 यंग चिल्ड्रन वर्किंग इन अ बैंगल फैक्ट्री वर सेट फ्री टुडे. ओके, बैंगल की जो फैक्ट्री होती है ना बेटा, हाँ बैंगल्स बनती है ना, आपको पता है ना बैंगल्स क्या होती है? हाँ, वहाँ पे 10 यंग चिल्ड्रन यानी एकदम छोटे छोटे, 10, आप सोचोगे सर यंग यानी तो जवान होता है ना बेटा, यंग का मतलब छोटा होता है, 10 छोटे बच्चे जो है ना वहाँ पे आज काम करे, मतलब उनको फ्री करवाया गया. किसको? यस, किसको? बैंगल की फैक्ट्री में से 10 बच्चे को. अ न्यूज़ रिपोर्टर एंड द पुलिस फाउंड देम इन अ सैड कंडीशन. एक न्यूज़ रिपोर्टर, न्यूज़ रिपोर्टर नहीं जानते बेटा? हाँ, जो न्यूज़ को कलेक्ट करता है, न्यूज़ के बारे में लिखता है, उनके बारे में जानता है. फॉर एग्जाम्पल, कोई जैसे कोई जगह आग लग गई है, ठीक है, फायर हो गया, तो वो कलेक्ट करना यानी उसकी फ़ोटोज़ लेना, वो उसकी इंक्वायरी करना, वो आग कैसे लगी, वो कैसे मतलब कहाँ पे लगी, उसका एग्जिट लोग, ये पूरी दुनिया को बताना, वीडियो बना के या फिर बोल के ऐसे न्यूज़ बना, ऐसे बना मतलब बताना थ्रू चैनल, थ्रू टीवी, थ्रू रेडियो. ओके, तो उसको, वो जो एक पर्सन होता है ना, उसको न्यूज़ रिपोर्टर बोलते हैं बेटा. ओके, तो उसने और पुलिस ने ऐसे बच्चे देखे जो बेचारे बहुत ही एकदम खराब हालत में थे, बहुत ही दयनीय स्थिति में थे. दयनीय स्थिति का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत ही उदास और बेचारे एकदम मजदूर एकदम लग रहे थे, एकदम अपने को भी दया आ जावे, ऐसे कुछ बच्चे. देखो बेचारे कैसे, इनके फेसेस भी कैसे दिख रहे, देखो एकदम जैसे कोई नहीं हो इनके आगे पीछे. देखो दिख रहे हैं कुछ बच्चे, है ना? आप लोग ने भी देखा होगा, आप लोग भी जैसे बाहर कहीं घूमने वूमने जाते हो या फिर कहीं बाहर निकलते, देखते हो ना रोड पे ना, ऐसे भिखारी लोग भी होते हैं ना, ऐसे भिखारी मतलब वो भीख मांगते रहते बेटा, इसलिए हम उसको भिखारी बोलते हैं, वो रियल में भिखारी नहीं होते बेटा, उनकी सिचुएशन ऐसी होती है ना, दैट्स वाई उनको ये काम करना पड़ता है. क्या करें बेचारे, अब गरीब बच्चे, भगवान ने कुछ ना कुछ मतलब सब तरह से मतलब कुछ या उनके से कमी रखी है, फिर उनके ऐसे कुछ काम उन्होंने ऐसे किए होंगे. तो मैं तो आपको सबको एक बात बताता हूँ, सी कि आपको हमेशा ना ऐसे अच्छे काम करने चाहिए बेटा, ठीक है? चलो
अच्छे काम बेटा, अच्छे का मतलब क्या होता है कि यस ऑलवेज है ना, हमको किसी का बुरा नहीं करना चाहिए बेटा। देखो जैसे कि आप जैसे कि खाना खाने बैठते हो, तो खाते समय है ना मम्मी के ऊपर ये नहीं चिल्लाना चाहिए हमको कि मम्मी आज तो नहीं ये क्या बना दिया है, ये मुझे नहीं अच्छा लगता है, फिर भी आप बार बार बनाते रहते हो, ये है वो है, ऐसे मम्मी के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो ये हमने एक अच्छा काम किया है। फिर सेम थिंग हमको कोई गिफ्ट दे रहा है तो वो गिफ्ट को बड़े प्यार से हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। चलो तो ये तो बेटा कुछ नॉर्मल बातें हो गई कि मम्मी पापा के साथ हुई उनके ऊपर गुस्सा नहीं होना चाहिए। अब मानो भाई बहन है, छोटे भाई, उनके ऊपर हमको गुस्सा नहीं होना चाहिए, ऑलवेज उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मम्मी पापा दादा दादी। वो हमको कोई काम बताते हैं कि बेटा मुझे ये ला दो ना, वहाँ बाहर से शॉप से ला दो, मुझे एक गिलास पानी पिला दो ना बेटा। तो ऐसा नहीं कि अभी देख नहीं रहे हो, अभी मैं टीवी देख रहा हूँ, अभी देख नहीं रहे हो, अभी मैं खेल रहा हूँ, आपको पता नहीं चलता है, मुझे बार बार काम बताते रहते हो। नहीं, ये चीज़ गलत है बेटा, ठीक है। तो ये भी अच्छा काम हुआ। अब दूसरा अच्छा काम क्या होता है कि आप यदि फ्रेंड्स के साथ मतलब बाहर खेल रहे हो, कोई आपको मार रहा है या कुछ बोल रहा है, तो उनको बड़े प्यार से बोलो पहले तो कि भाई क्यों मार रहा है मुझे, मैंने क्या किया है। हाँ, हमारी मिस्टेक है तो हमको सामने से सॉरी बोल देना चाहिए, ये नहीं कि भाई तूने पहले मारा मैं भी तेरे को दो मारूंगा, नहीं, ये तो गलत बात हो गई बेटा, ठीक है। तो ये भी अच्छा काम हुआ। दूसरा अच्छा काम क्या हुआ, जैसे हम लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं कहीं मम्मी पापा के साथ के कहीं, तो ऐसे कुछ गरीब बच्चों को ऐसे देखते हम लोग, तो वो उनको जैसे कि हमारे पास कुछ है मतलब पैसा है, कुछ खाना है हमारे पास, तो उनको खिला देना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ उनको पैसा मत दो, लेकिन उनको भूख लगी है तो आप मम्मी पापा को बोलो उनको कुछ खाना खिला दे। तो ये भी एक अच्छा काम हुआ बेटा। ओके फिर जैसे ही आपको मानो स्कूल में पढ़ रहे हो, आपके फ्रेंड्स हैं तो उनके पास कुछ पेंसिल वगैरह नहीं है, तो आपके पास दो पेंसिल थ्री पेंसिल, तो उनको हेल्प कर दो। हाँ, फिर उनसे रिटर्न ले लो, उनको बोलो भाई देख मेरे पास दो पेंसिल है, मुझे भी ज़रूरत पड़ सकती है ना कभी भी, मानो मेरी भी खो आ गई, तो उनको हमको हेल्प करनी है, वो नहीं लेके आया है, वो सही बोल रहे, उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। ओके, अब मानो झूठ बोल रहे तो उनकी गलती है ना, ऊपर वाला देख रहा है, गॉड हमेशा देख रहे कौन झूठ बोला है। ऑलवेज रिमेंबर बेटा, ऑलवेज ऑलवेज कि हमको कभी झूठ नहीं बोलना है। यस, मेरे ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं बेटा, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इवन मेरा जो क्रैनी है ना, मेरा सन, वो भी कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, कुछ भी होगा ना, वो हमेशा सच बोलता है। तो आपको बेटा कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने कोई मिस्टेक की तो सॉरी बोल दो ना, कान पकड़ के सॉरी बोल दो, तो सामने वाला भी सोचता है कि हाँ देखो भाई ये तो सच्चा बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। तो ये अच्छे काम है, क्योंकि यदि बुरे काम करोगे ना तो भगवान ऊपर देख रहा है, आप सोचोगे सर कहाँ देख रहे हैं, हम तो घर के अंदर बंद करके हमने है ना वो चीज़ चुरा ली किसी के घर से, हमने ये किया वो किया, हमने चोरी कर ली, तो नहीं बेटा ऊपर वाला तो देख रहा है, समझ लेना। और गॉड कभी किसी को माफ़ नहीं करता है। अब देखो ये बच्चे बेचारे गरीब हैं, बेचारे इनको पैसे की जरूरत, इनके मम्मी पापा इनको काम पे भेजा है क्योंकि उनके घर में खाने की चीज़ें नहीं है, कुछ खास नहीं है, तो ये गए बराबर। अब मतलब उन्होंने कुछ अच्छे पहले के काम किए होंगे तो पुलिस ने उनको फ्री करवाया। अब क्या करेगी पुलिस, तो इनको मे बी इनको काम मतलब तो नहीं, लेकिन इनके फैमिली जो मेम्बर्स उनको काम दिलवाएगी, इनको कुछ फूड पैकेट्स वगैरह देगी, मतलब कुछ भी ऐसा होगा। तो ये गलत है ना, मतलब ये अच्छी, तो पुलिस ने अच्छे काम किए तो हम भी ऐसे अच्छे अच्छे काम करें। ऐसे तो बेटा बहुत सारी चीज़ें कि कभी झूठ नहीं बोलना, कभी किसी को गाली नहीं बोलना, फिर हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करना, ठीक है, और पढ़ाई करना, कोई मतलब कहने का मतलब कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें। देखो अभी हम उसकी लिस्ट बनाएंगे ना तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो ये कुछ अच्छी बातें होती है ना, वो हमेशा ध्यान रखने। और हाँ, ऑलवेज़ रिमेम्बर, गॉड को हमेशा प्रे करना चाहिए कि सबका अच्छा करे, सबकी इच्छाएं पूरी करे और सबका हेल्थ अच्छा रखे। हमको आपको अपने लिए भी बोलना है कि हमको पढ़ाई में बहुत अच्छा रखना, और ऐसा नहीं कि खाली बोल बोल करना कि हे गॉड, हे भगवान, हे देवी, हमको खाली बस फर्स्ट एग्ज़ाम, ये फर्स्ट सॉरी फर्स्ट एग्ज़ाम नहीं मतलब एग्ज़ाम के अंदर फर्स्ट रैंक आ जाए, तो ऐसे थोड़ी ना फर्स्ट रैंक आता है। आप अच्छे से पढ़ाई करोगे बेटा तो रैंक अच्छे आएंगे ना, तो अच्छे मार्क्स आएंगे ना, तो ये सब अच्छी अच्छी बातें हो गई, ठीक है। तो ऐसे कुछ है जो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। क्या है कि न्यूज़ रिपोर्टर एंड द पोलिस फाउंड देम इन अ सैड कंडीशन, बहुत बेचारी दयनीय यानी दया आज वैसी हालत में थे, एकदम गरीब मतलब एकदम दुखी हालत में थे वो। द फैक्ट्री मेड द चिल्ड्रन वर्क वेरी हार्ड, जो कंपनी जो थी ना फैक्ट्री, वो बच्चों से बहुत ही हार्ड वर्क करवा रही थी, बहुत ही मेहनत वाला सख्त काम करवा रही थी बच्चों के साथ। इट पेड देम ओनली ₹80 अ डे, और उनको एक दिन का कितना रुपीस मिलता था, ओनली ₹80, कितना मिलता था बेटा, ओनली ₹80। द चिल्ड्रन आर हैप्पी टू गो बैक टू देयर होम्स इन देयर विलेज,
अब बच्चे बहुत ही खुश से वो अपने घर अपने गांव वापस जा रहे थे। ठीक है, उनके घर जो गांव में है, उनके घर मतलब उनके गांव उनके घर वापस जा रहे थे ना, तो बहुत ही खुश थे, बहुत ही हैप्पी थे। दे विल गो टू अ स्पेशल स्कूल सो दैट दे कैन लर्न टू स्टडी लाइक अदर चिल्ड्रन देयर एज। अब बच्चे कहाँ, तो कोई स्पेशल जो स्कूल है ना, वो स्कूल में जाएंगे और पढ़ाई भी करेंगे किन के साथ, कि जो उनकी उम्र के उनके जैसे जो और भी बच्चे ना उनके साथ, वो क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। अब यहाँ से तो छुट्टी हो गई, छुट्टी मतलब कि छुड़वा दिया गया ना पुलिस ने उनको और न्यूज़ रिपोर्टर ने। बाय मेकिंग चिल्ड्रन वर्क, चिल्ड्रन से काम करवाना जो होता है ना, द फैक्ट्री ट्राइज टू सेव मनी। तो बच्चों से काम करवा के फैक्ट्री क्या करती थी, अपने पैसे बचा रही थी। अब सोचोगे सर कंपनी कैसे अपने पैसे बचा रही थी, तो सोचो बेटा यदि यही काम यदि किसी बड़ों से करवाते तो बड़ों को 80 रुपीज़ नहीं, उनको ज़्यादा देना पड़ता है। आपको पता है एक दिन का 150 रुपीज़, 180 रुपीज़, 200 रुपीज़, ये इतने पैसे दिए जाते हैं, लेकिन बच्चों को कितना दिया, ओनली 80 रुपीज़। तो सोचो कितना कंपनी अपना अपना काम भी निकाल रही है और वो भी कम पैसे बच्चों को दे के, तो ये तो कंपनी अपने पैसे बचा रही है ना। द पोलिस विल नाउ टेक एक्शन, अब पोलिस उनके ऊपर एक्शन लेगी। एक्शन लेगी मतलब कि अब जिनको जो सजा करनी है, जिनको जो मतलब पनिशमेंट देनी है ना, वो अब पोलिस देगी। बच्चों को तो छुड़वा दिया। तो ये बात हुई मुंबई की। तो बेटा ऐसा ओनली मुंबई में नहीं है, हमारे यहाँ पे अहमदाबाद में भी है। यस हाँ, हमारे अहमदाबाद में जिसको हम लोग इंग्लिश में अहमदाबाद बोलते हैं, ओके अहमदाबाद, यानी कि हर एक गाँव सिटी मतलब सिटी में ज़्यादा होता है कि बच्चों को ऐसे काम पे रखती, कम पैसे देके उनसे मजदूरी करवाती, बहुत हार्ड वर्क करवाती। तो ये तो बेटा कैसा है, गलत है। ओके अब बच्चे भी बेचारे मजबूर है, क्या करें। अब उनके मम्मी पापा भी, कोई कोई तो मम्मी पापा भी भेजते, तो पुलिस ने भी क्या है उनको छुड़वा लिया है, राइट। और उनको अच्छे से स्कूल में मतलब स्पेशल स्कूल में रखेगी, उनकी एज के जो और भी बच्चे जो पढ़ते हैं वहाँ पर। लेट अस सी हाउ मच मनी द फैक्ट्री ट्राइज टू सेव, चलो हम देखते हैं कि कंपनी अपने कितने पैसे बचा रही है। मनी वन ओल्डर वर्कर शुड गेट, ओ हो, देखो अभी तो मैंने तो 150 या 200 रुपीज़ बोला था, यहाँ पे कितना सारा दिया, यानी एक जो बड़ा वर्कर होता है, बड़ा यानी मतलब बच्चे ना हो, वो बड़ा इंसान जो काम करता है कंपनी में, उसको ओल्डर वर्कर बोलेंगे। ठीक है, एक जो इंसान होता है ना उसको कितना देना चाहिए कंपनी को, एक्चुअली एक दिन का रुपीज़ 513, 513 अ डे, इतना एक दिन में होता है। बट मनी वन चाइल्ड इज पेड, मतलब एक बच्चे को लेकिन कितना दिया जाता है, ओनली रुपीज़ 80 अ डे। एक्चुअली बड़े जो वर्कर हो उसको कितना मिला मिलते हैं, मतलब रुपीज़ 513, लेकिन बच्चे को कितना, ओनली 80 रुपीज़। देखो कितना सर बचाई। ऑन वन पर्सन द फैक्ट्री सेव्स रुपीज़ 513 डैश रुपीज़ 433, तो इतना रुपये बचा दी कंपनी। तो ये कैसे आया, तो 513 में से 80 माइनस करो, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 80। क्या क्या किया हमने, ये पता चला है आपको। देखो एक दिन में यदि कोई बड़ा इंसान यदि कंपनी में काम करता है वर्कर, हाँ जो बच्चा नहीं है बड़ा है वो, ठीक है, तो उसको कितना कंपनी देने चाहिए, उसको 513, लेकिन बच्चे को 80 रुपीज़, तो कंपनी ने कितना बचाया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें इस चीज़ को माइनस करेंगे ना, तो कितना आ रहा है 433 रुपीज़। कंपनी एक दिन में 400, एक दिन में यानी कि एक वर्कर के पीछे 433 रुपीज़ बचाती है। कैसे आया, तो 513 में से 80 को माइनस करेंगे तो इतना आएगा, आपको देखना है। चलो देखो 3 और ये 0, तो 3 का 3 रहेगा, चलो अब ये 1 है, 1 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो हम बाजू वाले से ले लेंगे, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 11, चलो 11 में से 8 जाएगा तो 3 हो गया ना, 3 और ये 4 का 4 हो गया ना, 433। ऑन 10 persons द फैक्ट्री सेव्स, बताओ तो 10 यदि इंसान हो तो कंपनी को, कंपनी कितना रुपये बचाएगी, एक बच्चे को 80 रुपीज़ दे के कंपनी इतना रुपया सेव करती है। तो ऐसे 10 पर्सन को मतलब 10 पर्सन 10 बच्चे को रखा था, ये देखो ये 10 बच्चे है ना, 10ों को 80 80 रुपीज़ दे रही थी, तो कंपनी ने कितना बचाया, तो देखो 433 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा अब हम लोग इसको ऐसे लिख के ऐसे मल्टीप्लाई करें, इसकी शॉर्टकट है, क्या शॉर्टकट है, तो
इसको हमको ओनली 10 से मल्टीप्लाई करना है ना, सो हम लोग ये जीरो को अभी इग्नोर करते हैं, अभी भूल जाए, ओनली वन याद रखो आप, क्या याद रखो, वन। अब 433 को सिर्फ वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 433 आएगा ना, ओनली वन जा, 433 वन जा, और ये पीछे एक जीरो है ना, तो ओनली जीरो ऐड कर दो। ये मैं पहले भी सिखा चुका हूँ इस तरह से शॉर्टकट आपको। तो कितना रुपीस बताया कंपनी ने, बचा एक दिन का 4330 रुपीस अ डे, पता चल गया आपको। अच्छा मुझे बताओ 100% होता तो कितने बचाती कंपनी, सिंपल इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो सेम 433 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 433 सेम 20, तो कितना हो गया 43,300 उसने 10% के लिए बचाए। मानो कि कंपनी में 100% काम करते एक ही दिन में, ओके, तो इतना रुपया कंपनी रोज का बचाती थी, ये हुआ इसका मीनिंग। बट ये हमको अभी नहीं दिखना, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया बेटा, ओके। तो आपको पता चल गया ये 80 कैसे आया, ये कैसे आया, ओके। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, एक बड़े आदमी को इतना उसको देना चाहिए 513 रुपीस, लेकिन कंपनी बच्चों को 80 रुपीस देती थी, यानी इतना कम देती थी, तो कंपनी कितना रुपये बचा लेती थी, इतने रुपए। अब एक इंसान के लिए कंपनी इतना बचाती थी, तो ऐसे 10 इंसानों के लिए कितना बचाया कंपनी ने, 4330 रुपीस, ओके। नाउ फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट देखते हम लोग, इन योर एरिया आर देयर शॉप्स और फैक्ट्रीज वे यंग चिल्ड्रन आर मेड टू वर्क। क्या पूछा है आपको कि आपके एरिया में ऐसी कोई दुकानें, ऐसी कोई फैक्ट्रीज यानी कि कंपनीज हैं जहाँ पे ऐसे यंग चिल्ड्रन यानी ऐसे छोटे बच्चे जो काम कर रहे हो, आपने देखा बेटा? मैं बताऊँ आपने कहाँ देखा होगा, वो चाय की किटली वाला होता है ना, टी स्टॉल होता है ना, टी स्टॉल, आप जैसे कहीं घूमने वूमने गए हो या फिर बाहर के निकले हो तो पता है टी स्टॉल वाला तो चाय की किटली लगाता है, वहाँ पे देखना छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पे काम करते हैं। तो बेटा एक्चुअली ये भी रॉन्ग है, यस नहीं होना चाहिए बेटा, ये तो गलत, लेकिन वो बच्चा भी क्या करे, उसकी फैमिली भी इतनी पुअर है, यस पुअर यानी गरीब, राइट, इतनी पुअर फैमिली है, तो क्या करे, उनके मम्मी पापा भी बोलते हैं ना कि चलो हम भी करें, तू भी काम कर, अब तू भी थोड़ा बड़ा हो गया है। एक्चुअली में बेटा वही 8-10 साल का होता है, यानी आपसे 2 ईयर्स बड़ा होता है, ओनली 2 ईयर, 2 या 3 ईयर्स आपसे बड़ा होता है। और देखो तो आप ये सोचो कि आप कितने लकी हो, यस और नो, आप कितने लकी हो, कितनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, कितनी अच्छी स्कूल में पढ़ते हो, कितनी अच्छी पढ़ाई करते हो, कितना अच्छा खाना खाते हो, कितना अच्छा खेलते हो, कितने अच्छे कपड़े पहनते हो, यस और नो। देखो ये वीडियो में आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनना ये वीडियो को, ओके। और ये मेरा जो लेक्चर है इसको भी बार बार अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं, मतलब रिपीट करना आप लोग देखने के लिए, कि हम लोग बहुत लकी बेटा, आपको नहीं पता है, आप तो अभी अहमदाबाद में यहाँ पर रहते हो ना, आप लोग ने जो और भी स्टेट्स है बहुत, मतलब कुछ पुअर मतलब फैमिलीज वहाँ पे रहती है, लाइक बिहार देखो, बिहार, यस बिहार है, फिर यूपी है, फिर ऐसे ईस्ट में जाओ ना तो अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, फिर क्या ऐसे साउथ में जाओ तो साउथ में भी ऐसे मतलब कुछ है स्टेट्स, एक तो तेलंगाना में बेटा, आंध्र प्रदेश में भी ऐसा है, हाँ, गुजरात में भी है बेटा, हमारे गुजरात पुअर, बट यूपी बिहार फिर उत्तराखंड ये सब जो है ना बहुत बेटा, काफ़ी लोग ऐसे पुअर जो माउंटेन एरिया होता है ना वहाँ पे रहते बेटा, बहुत गरीब होते हैं, उनको ठीक से खाना नहीं मिलता, भीख मांगते हैं, चोरी लूटफाट कुछ ज़्यादा रहती है, तो बेटा ये सब चीज़ें होती है। तो इन सब की कंपनी में, हाँ ऐसा नहीं बोला, वो जैसे यूपी बिहार और मुझे आसाम और ये सब जो जो स्टेट्स है ना, इसमें अच्छे अच्छे भी सिटीज़ हैं जहाँ पे और भी रुपए वाले लोग भी हैं, बट मैं जो बोल रहा हूँ ना ज़्यादातर हरियाणा, हाँ हरियाणा बोल गया, दिल्ली जो है ना, दिल्ली बोलते हैं, उत्तराखंड, ये सब में बहुत ऐसे पुअर बेटा, तो ये सब के जो हाँ जो बच्चे कुछ गरीब है ना, बहुत हालत ख़राब बेटा। आप लोग देखो ना तो आपको अपने आप को पर प्राउड हो कि देखो मेरे मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, मुझे गाड़ी में घूमने मिलता है, अच्छा आपको जब मन चाह पिज़्ज़ा खाने को मिल गया, जब मन चाह मंचूरियन खाने को, जब मन चाह डोनेट खाने को मिल गया, जब मन चाह आपको बर्गर खाने को मिला, और उनको तो बर्गर डोनेट पिज़्ज़ा ये सब क्या होता है ना, उनको तो सिर्फ रोटी मिले ना बेटा, रोटी तो भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, बोलो 3 टाइम उनको रोटी ढंग से खाने को नहीं मिलती है, और नहाने धोने की कपड़े की तो बात ही मत करो, नहाने को भी बात ही मत करो, कुछ मतलब एक ही कपड़ा पहना जो 2 महीने 6 महीने, फिर आपके जैसे या हम मेरे जैसे कोई जाता है देखता है तो उनको कपड़े दे देता है, उनको खाना दे देता है, कुछ पैसे दे देता है। तो बेटा ये सब की कंपेयर में हम लोग बहुत अच्छे, सो अपने आप को हमेशा लकी
हाँ लकी मानो, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि आपके एरिया में ऐसी कुछ शॉप्स के फैक्ट्रीज हैं जो बच्चे काम करते हो, तो आपको तो पता होगा ना इसका आंसर। हाँ मेरे एरिया में तो है ऐसी कुछ, लेकिन करते बेचारे, अब मैं भी क्या करूँ। हाँ कभी कभी मैं ऐसे बच्चों को देखता हूँ, गरीब को मैं तो कई बार खिला देता हूँ बेटा। और जैसे मैं कहीं बाहर जाता हूँ ना, तो आते मेरे पास पैसा मांगते हैं, तो मैं उसको बोलता हूँ मैं तो पैसा नहीं दूंगा, बोलते तेरे को भूख लगी है, तो मैं कभी कभी तो उनको इडली खिला देता हूँ, कभी कभी उनको डोसा खिला देता हूँ, फिर कभी कभी वो लारी पे सब्जी रोटी मिलती है, बेटा पूड़ी सब्जी सब मिलता है ना, वो उनको मैं खिला देता हूँ। हाँ और पेट के बीच बेचारा खा भी लेते हैं बड़े प्यार से, फिर बोलते अरे साहेब तुम्हारो आभार, साहेब भगवान तुम्हारो भलू करे, ऐसे बोलते बोलो। चलो टॉक टू सम ऑफ दिस चिल्ड्रन, हाउ मच आर दे पेड देयर। अच्छा क्या लिखा है, कैसे बच्चे यदि आपको मिलते हैं तो उनसे पूछो कि आपको वो एक दिन का कितना पैसा मिलता है। क्या आपको ये देखने हैं बच्चों, बेटा अब ये देखो एक्चुअली ऐसा मत सोचो कि सर हमको शर्म लगती है, हम लोग शाय बेबी बन जाएंगे। नहीं बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो हमको कम्युनिकेशन यानी बातें करनी चाहिए उनसे, ठीक है। और बातें करने में कोई कुछ हो नहीं जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्टिविटी एक प्रकार की, आपके आजू बाजू में ऐसे कुछ शॉप्स या है तो आप उनसे पूछो भी, खाली तब पूछना है कितना मिलता है, और आपको लगे कि भाई आपको उनके पास दया आ रही है, गरीब हैं, तो आप उनको कुछ दे भी सकते हो बेटा, ठीक है आपकी इच्छा फिर। हाँ लेकिन इसके अंदर आप मम्मी पापा से भी बातें कर सकते हो, यदि उनके साथ जा सकते हो, उनके भी बोल सकते हो कि मम्मी देखो वहाँ पे वो लड़का है ना, वहाँ पे काम करता है ना, वो बहुत गरीब है, उनको चलो कुछ अपने दे दे, कुछ खाने को दे दे दे, लगे आपको कुछ पैसा देने जैसा तो दे सकते हो आपकी जैसी, लेकिन मम्मी पापा की हेल्प लेके बेटा, मम्मी पापा के साथ, ठीक है। ऐसे आपको अकेले नहीं कुछ करना है, ठीक है। चलो अभी आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है ये ट्रेन जर्नी। अब ट्रेन जर्नी वाला जो टॉपिक है ना, वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, ठीक है। तो ये पता चल गया, तो आज को आपको ये वर्क करना है। तो अभी हम लोग आज है ना कुछ वो एक्सरसाइज देखते हैं, किसके अंदर, वर्कबुक के अंदर, ओके। देखो बेटा वर्कबुक, ऐसे तो काफ़ी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं ना। देखो ये फर्स्ट, फिर सेकेंड, थर्ड मैंने आपको दिया था, फिर ये मैंने होमवर्क में दिया था, राइट। अब ये फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, तो ये तो बहुत इजी है, मैं ना करूँ तो भी आपको आएगा। अब ये पैसे दिए, पैसे को हमको पहले लिखना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिख के बताया है, और यहाँ पे उसको टोटल काउंट करके लिख देना है। अब सर इसके हम नहीं लिख पाएंगे, तो आप स्मॉल राइटिंग कर देना ना यहाँ पे। देखो 25 पैसे ये, फिर 10 पैसे। बेटा ये जो पैसे है ना, एक्चुअली एक बात बताऊँ मैं, ये अभी हाल में ये पैसे आपको कहीं देखने को भी नहीं मिलता, बट when I was a very young children, ओके, जब मैं बहुत छोटा था ना, तो मैं ऐसे पैसे खर्च भी खुद कर चुका हूँ। एक्चुअली 5 पैसे मेरे टाइम भी नहीं चलते थे मैं जब छोटा, लेकिन मेरे टाइम पे 25 पैसा चलता था मैं जब छोटा था ना, when I was in third standard, yes something कुछ याद आ रहा है, हाँ फोर्थ में था, थर्ड में था, तो मुझे 50 पैसे मिलते थे ये खर्च करने को। मम्मी मुझे 50 पैसे देती थी, और मेरी मौसी थी ना, मौसी ये, वो भी हमको 50 पैसे, यानी मेरे पास 1 रुपया होता। आप मानोगे 25 पैसे में 5 टॉफ़ीज़ आती थी, 5 टॉफ़ीज़ सोचो, अभी तो 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ में 1 टॉफ़ी आती, उस टाइम 25 पैसे, 5 पैसे की 1 टॉफ़ी हुई बेटा, सोचो 5 पैसा नहीं चलता था, 10 पैसा भी कोई कोई जगह चलता, कोई कोई शॉप पे 25 पैसे में एक पूरी चॉकलेट आती थी, यस। फिर पता है आपको गोल गोल वो क्या आता है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, पापड़ बोलते हैं ना, नहीं राउंड शेप में होता है पापड़ जैसे कुछ होता है, एकदम येलो कलर का आता, वो भी 25 पैसे में आता था, यस। तो इतने हम लोग बहुत खुश हो जाते थे। फिर 25 पैसे की चाट मिलती थी, फिर वो क्या बोलते हैं ना, आलू पापड़ बोलते हैं ना, तो 25 पैसे का आलू रहता था, 25 पैसे का पापड़, सॉरी 50 पैसे का पापड़ और 25 पैसे का आलू ऐसे रहता था, वो भी हमको मिलता था। हाँ मैं तो एक्चुअली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ बेटा, तो क्या है ना, हम लोग ये सब मतलब खाते थे, बहुत मतलब एंजॉय करते थे हम लोग। और अभी तो देखो, अभी तो चीज़ पिज़्ज़ा नहीं सब कुछ आ गया ना, पफ दाबेली ये सब खा, वो भी 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 100 रुपीज़ पिज़्ज़ा, 200 रुपीज़, देखो कितना ज़्यादा हो गया ना सब। ओके तो आपको ये पैसे जो है ना बेटा, इसको लिखना है यहाँ पे, देखो 25 प्लस 10 प्लस 5, और फिर काउंट करके इसके अंदर लिखना है आपको, ठीक है। बहुत ईजी है बेटा, आपको खुद ये, अब जैसे नहीं आ रहा है ना, तो आप ऐसे ऐसे मतलब पूरा वर्टिकली ऐसे आप लिख कर उसका एडिशन करके यहाँ पे लिख सकते हो, ओके। उसके बाद ये क्वेश्चन में हमने देखा था ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ए बी सी, ये मैंने बताया था, बट ये देखो, प्रिपेयर अ बिल फॉर द फॉलोइंग आर्टिकल्स बॉट। अब इसका बिल बनाना है,
तो ये जो ड्रम है ना ये 75 पैसे में, ये क्लॉक है वो 1 रुपीज़ 25 पैसे, कार ये नहीं टॉय कार है ये 3 रुपीज़ 60 पैसे। आगे ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट के आगे वाले क्या होंगे, रुपीज़, डेसिमल पॉइंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, डेसिमल पॉइंट। ये आपको मैं बता चुका हूँ, ये पीछे वाले पैसे 75 पैसे, 1 रुपी 25 पैसे, 3 रुपीज़ 60 पैसे, 2 रुपीज़ 35 पैसे, ये डॉल। 20 पैसे में तो बॉल आता है, वाह वाह कितना चीप है, यानी कितने सस्ता है। 25 पैसे में तो बुक आ रही है, 1 रुपीज़ 65 पैसे में टॉय यानी फ़ोन है, वो मोबाइल टॉय टॉय वाला है, यस सीज़र ओनली 15 पैसे। तो ये हमको सबके प्राइजेस दिए और ये बिल दिया है, नहीं ये तो अच्छा ये अलग क्वेश्चन है सॉरी। तो इसका हमको आंसर है ना नोटबुक में लिखना बेटा, नोटबुक में कैसे, तो सबसे पहले ये सब हमको क्या बोला है, बिल बनाने को बोला है बिल। तो आप कैसे लिखोगे, देखो मैं एक चीज़ लिख के बता देता हूँ आपको, पहले लिख देना है बिल, ऊपर टाइटल क्या देना है, बिल टॉयज बिल, फिर फर्स्ट नंबर क्या लिखा है 75 पैसे में, ड्रम, ड्रम है ना ये, तो पहले लिख दो ड्रम, उसके सामने पैसे लिख दो 75 पैसे, फिर ये वो क्लॉक, तो क्लॉक कैसे लिखेंगे ऐसे 1 रुपी, ये 0 रुपीज़ है, ये हम जीरो के बाद पॉइंट करेंगे 0.75, और ये है सेकंड नंबर पे क्या है बेटा क्लॉक, क्लॉक ऐसे डैश करो 1 रुपीज़ 25। देखो मैंने आपको पहले भी सिखाया पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ओके हम इसके पीछे भी क्या लिख देंगे पैसे 1 रुपीज़ 25 पैसे, फिर 3 नंबर पे क्या है टॉय कार, टॉय कार, फिर डैश 3 रुपीज़, तो 3 यहाँ पे, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए 60 ऐसे, ओके क्या ये पैसे। तो इस तरह से सारी थिंग्स ये लिख देनी है, फिर सबको ऐसे नीचे सबका टोटल कर देना है, और फिर लिखना है टोटल, सॉरी यहाँ पे लिखना है टोटल रुपीज़, ओके पता चल गया ये कैसे करना है, ओके तो इसका बिल बना है। तो आपका आज का ये होमवर्क है, और टेक्स्ट बुक के अंदर हमने जो आज सीखा ना बेटा, यस ये आपको स्टोरी अच्छे से पढ़नी है, ओके और ये हो सके तो आप हेल्प लेके करना है वर्क, और ये पूरा लिखना है ये पूरा की पूरा टॉपिक, ओके तो चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाबा एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू माय डियर चिल्ड्रन। और नेक्स्ट टाइम हम लोग ये जो ट्रेन जर्नी है ना, हाँ इसको पढ़ना लेकिन अच्छे से, ये पूरा टॉपिक पढ़ लेना, ओके आपको खुद एक बार पढ़ना है और समझना है, तो आपको क्या है ना पता चलेगा, ओके बेटा स्कूल स्टार्ट हो गई है ना, यस आप लोग भी जल्दी से देखो बेल हुआ ना अभी, यस तो आप लोग को भी स्कूल जल्दी आना है ना, फिर मन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके चलो तो अच्छा है, गॉड को प्रे करो, भगवान करे सही कोरोना वोरोना सब अच्छे से चला जाए, मतलब सब मतलब कुछ भी ना ऐसे डिसीज हो, और हम लोग भी पढ़ सके अच्छे से। तो ये आपको बेटा ये एक बार खुद आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद ये क्या लिखा है समझना है, और ये क्वेश्चन आंसर ये सब ट्राई करना है, ठीक है फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ये मैं चलाने वाला हूँ नेक्स्ट टाइम, ओके बेटा चलो बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।